नमस्कार, ओम शांति। आप देख रहे हैं पीस न्यूज और आपके साथ मैं हूं शिवांगी। देखेंगे विस्तार से कई बड़ी और अहम खबरें, लेकिन उससे पहले देखते हैं आज के हेडलाइंस। वर्तमान दौर में मेडिकेशन और मेडिटेशन की उपयोगिता पर चर्चा, मेडिकल प्रभाग का आयोजन। स्पा प्रभाग के ऑनलाइन सेमिनार में फार्मास्यूटिकल विज्ञान एवं रिसर्च विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर ने कहा कि आंतरिक विकास ही सर्वांगीण विकास का आधार। महाराष्ट्र के अहमदनगर में स्पिरिचुअल वैक्सीन से मरीजों के इलाज में लाभ पर राजयोग हीलर ग्रुप का प्रयोग, राजयोग ध्यान से मरीजों का बढ़ता आत्मविश्वास। और ओडिशा के राउरकेला में क्लीन द माइंड और ग्रीन द अर्थ के तहत कई स्थानों पर लगाए गए पौधे, कोविड से बचाव के लिए बांटी गई निःशुल्क दवाइयां। आज बुलेटिन की शुरुआत करते हैं ब्रह्मा कुमारीज के मेडिकल प्रभाग और ब्रह्मा कुमारीज नेपाल द्वारा आयोजित दो दिवसीय ई कॉन्फ्रेंस से। माइंड बॉडी मेडिसिन थीम के अंतर्गत आयोजित ई सम्मेलन के इनॉग्रेशन सेशन में संस्था के अतिरिक्त मुख्य प्रशासक राजयोगिनी दादी रतन मोहिनी, महासचिव बीके निर्वैर, काठमांडू जोन के निदेशक बीके राज, मेडिकल प्रभाग के अध्यक्ष बीके डॉक्टर अशोक मेहता और प्रभाग के सचिव बीके डॉक्टर बनारसी लाल शाह ने सम्मेलन के प्रति अपनी शुभकामनाएं दी और मन का शरीर पर कितना गहरा असर पड़ता है इसे बखूबी समझाया। जो भी खुद दर्द में है उनको मदद कर दुख दर्द को दूर करके सभी को सुख शांति देने की सेवा कर रहे हैं, ऐसे लोग ही सुख शांति की दुनिया में आएंगे। योग अर्थात अपने मन को परम पिता परमात्मा के साथ जोड़ करके और अपने में पॉजिटिविटी की पावर भरना, परमात्मा की शक्ति को इन्वोक करना और उसके साथ में दुनिया की जो सेवा कर रहे हैं उसके लिए शुभ भावनाएं रखना, ये बहुत हमको मदद करती है। जिसे तन का कष्ट तरह मन के कष्ट से दूर रहना है, किस प्रकार मन का कष्ट कम होता है, बेफिक्र होते हैं, तो तन का कष्ट जो है वो भी कम फील होता है। मॉडर्न मेडिकल प्रैक्टिस हैज शिफ्टेड गियर्स इन लास्ट कपल ऑफ इयर्स, कपल ऑफ डिकेड्स एज अ मैटर ऑफ फैक्ट इन मोस्ट ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज, लीडिंग टू डेवलपमेंट ऑफ स्पेशलिटी एंड सुपर स्पेशलिटी प्रैक्टिसेस व्हिच फोकस ऑन लिमिटेड एरियाज ऑफ ह्यूमन एनाटॉमी। As practitioners of Raj Yoga. वही अन्य अनुभवी वक्ताओं ने fear to uncertainties, sailing through turbulent times व creating spiritual immunity जैसे अनेक विषयों पर सुंदर जानकारी दी। Global Hospital का यही लक्ष्य रहा है कि हम holistic health care दें, लोगों को total health care दें, न केवल शरीर की संभाल करें लेकिन उनके मन, उनकी आत्मा की भी संभाल करें। यहाँ का वातावरण ही इतना अपलिफ्टिंग है कि जो भी आते हैं उनको ये वातावरण प्रभावित करता है। हमारी नर्सेस, हमारे डॉक्टर्स मेडिटेशन को अपने जीवन में ढालते हैं, रोज दिन में सुबह उठते ही इसका प्रैक्टिस करते हैं, तो जैसे जो उनका जीवन है वो भी लोगों के सामने प्रत्यक्ष प्रमाण के रूप में आता है। अनुशासन वास्तव में क्या है और जीवन में अनुशासित रहने से हमें क्या क्या फायदे हो सकते हैं, इस पर विशेष रूप से चर्चा की गई ब्रह्मा कुमारीज के स्पा प्रभाग द्वारा इनर ट्रैंक्विलिटी लीडिंग रिसर्च फॉर अ परफेक्ट वर्ल्ड थीम पर आयोजित तीन दिवसीय इस सम्मेलन के प्लेनरी सेशन में। इस अवसर पर दिल्ली फार्मास्यूटिकल साइंसेज और रिसर्च यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर आर के गोयल, डीआरडीओ के पूर्व सीसी और एलएस डॉक्टर डब्ल्यू सिल्वा मूर्ति, डीआरडीओ में आईएनएमएएस के एसोसिएट डायरेक्टर डॉक्टर सुशील चंद्रा मुख्य वक्ता रहे। इन योगा अ बैलेंस इज स्ट्राइक्ड एंड बैलेंस द मोमेंट वी से इज अ डिसिप्लिन। सो अल्टीमेटली
you are trying to have a discipline of your behavior, your activities, closing the eyes, particular posture, behavior, not thinking, trying to calm down, that meditation. That is all brings discipline. The fat content is 15 grams per day, including hidden fat. Then we also did walking for half an hour in the morning, half an hour in the evening as an aerobic component. So we have one side Raja Yoga meditation. And with the inmas, again, in case of I Chi, in one study we found that there was an increase in alpha and theta band power and increased in alpha symmetry. That means there was a good positive impact of meditation on attention network as well as on cognitive process. We must practice to control our desires, passion, and infatuation to lead materialistic life. Inner happiness can be attained following a controlled, disciplined life. ये सम्मेलन साइंटिस्ट, प्रोफेसर और डॉक्टर्स के लिए विशेष तौर पर आयोजित किया गया था, जिसमें मलेशिया में ARC के निदेशक बीके मीरा ने अपने आशीर्वचन दिए और स्पार्क प्रभाग के कोर ग्रुप मेंबर बीके रामा ने कमेंट्री द्वारा योग का अभ्यास कराया। The real tricks and essence are the ability to discipline the self. Without discipline, the mind will not be able to stay focused and will wander everywhere, losing the focus and the energy, ending up in nothing being achieved with time and life wasted. आज कोरोना महामारी ने सारे विश्व को हैरान कर दिया है। दिन प्रतिदिन रोगियों की संख्या लगातार लोगों की परेशानियों को, उनकी चिंताओं को बढ़ाती जा रही है। ऐसे में महाराष्ट्र के अहमदनगर में राजयोगा हीलर ग्रुप द्वारा स्पिरिचुअल वैक्सीन के माध्यम से कोरोना के मरीजों को राहत देने का प्रयास किया जा रहा है। स्पिरिचुअल वैक्सीन में किन गतिविधियों को और किस प्रक्रिया को शामिल किया गया है, इसकी पूरी जानकारी राजयोगा हीलर ग्रुप के संचालक बीके डॉक्टर सुधा कांकरिया ने दी। हम 125 सभी आत्माएं व्यक्ति पहर को 4 बजे अमृत वेला मेडिटेशन करके एक डिवाइन पॉजिटिव हायर एनर्जी को प्रवाहित करते हैं और फोकस एनर्जी, फोकस वाइब्रेशन वो सारे कोरोना बाधित पेशेंट को देते हैं। इसके बाद इस वैक्सीन से कोरोना के मरीजों को किस स्तर पर राहत मिली और उनके मनोबल में वृद्धि हुई, उसे अपने अनुभव के तौर पर साझा किया। He did it as a daily practice. And every day he was just feeling like refreshed and positive towards the future. Like, so he was, before that he was very much frightened. We all were frightened, but after doing this meditation, he just feeling like refreshed and positive. मैंने ये 7 दिनों का राजयोगा मेडिटेशन कोर्स पूर्ण किया। हर एक दिन मेडिटेशन के वजह से मुझे शांति और पॉजिटिविटी का अनुभव होता रहा। डर, भय, चिंता इससे दूर रहने की शक्ति मुझे इससे मिली और आज मैं इस कोरोना नामक बीमारी से मुक्त हो चुका हूँ। अगली खबर की ओर बढ़ें तो अपना भाग्य निर्माता स्वयं बने विषय पर ब्रह्म कुमारी के रेडियो मधुबन 90.4 FM और युवा प्रभाग द्वारा नेशनल यूथ सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें आरजे रमेश ने युवा प्रभाग के उपाध्यक्ष बीके चंद्रिका, जोनल कोऑर्डिनेटर बीके छाया, माउंट आबू से बीके अवनीश समेत अन्य विशिष्ट लोगों से विषय पर बात की और उनके अनुभवों का लाभ दर्शकों को देने का प्रयास किया। सभी ने श्रेष्ठ कर्म द्वारा श्रेष्ठ भाग्य बनाने का संदेश दिया। और जब मैं भाग्य की बात करता हूँ तो मेरी सोच बहुत छोटी नहीं होनी चाहिए कि मैं सिर्फ अपने भाग्य की बात कर रहा हूँ। मेरी सोच होनी चाहिए कि जिनका शक्ति नहीं है, जिनके अंदर हिम्मत नहीं है वो संकल्प लाने की, मैं उन लोगों को हौसला दे पा रहा हूँ कि वो भाग्य बना पाए। जीवन एक अवसर है या चुनौती, इस विषय पर गहराई से चर्चा करने के लिए राजस्थान के भीनमाल सेवा केंद्र के द्वारा वेबिनार का आयोजन हुआ, जिसमें सेवा केंद्र प्रभारी बीके गीता ने रियलाइजेशन, लिबरेशन, सेलिब्रेशन और सस्टेनेंस का मंत्र दिया तो समाज सेवी दिलीप, माउंट आबू से बीके जीतू ने अपनी मनोवृत्ति को समझकर उसे परिवर्तन करने तथा अपना दृष्टिकोण सकारात्मक बनाने की बात कही। जीवन एक चुनौती या अवसर, ये प्रश्न सदियों से मानव के मन को
जब चोर करता रहा है, कि परमात्मा ने ये जो जीवन दिया है इस जीवन को कोई खेल कहता है जिसमें हार जीत होती है, कोई इसे अवसर कहता है जिसमें कुछ पाने का और कुछ इंजॉय करने का एक लक्ष्य रहता है। जहाँ पर हमारे सही लोगों का झुकना नहीं है, गलत लोग ही हमेशा इस तरह से हमें इस दौर की ओर ले जाते हैं, तो कृपया करें कोई भी जब भी ऐसी कठिन परिस्थिति का डिप्रेशन में आओ तो ऐसे लोगों के साथ 2 मिनट का समय हो और उनके साथ बात करके इस बात को 2 मिनट के लिए सही आप एक प्रभाव से कर सकते हैं। इस वेबिनार का हर्षा लपासिया ने संचालन किया और विषय का स्पष्टीकरण करने के साथ ही ब्रह्म कुमारीज के युवाओं को दी जाने वाली परामर्श सेवाओं का जिक्र किया। आगे ज्ञान और शक्ति के द्वारा चुनौतियों का सामना करने विषय पर तमिलनाडु के तिरुवन्ना मलाई सेवा केंद्र के द्वारा शिक्षकों के लिए विशेष ऑनलाइन सेशन आयोजित किया गया, जिसमें जिलाधिकारी के एस कांदासामी, मुख्य शिक्षा अधिकारी एस अरुल सेलम समेत अन्य अतिथियों ने कहा कि डॉक्टर जीवन बचा रहे हैं और शिक्षक जीवन को आकार दे रहे हैं, इसलिए शिक्षकों को अध्यात्म और ज्ञान दोनों का समावेश कर मूल्यों की शिक्षा देनी चाहिए। वहीं तमिलनाडु जोन के सर्विस कोऑर्डिनेटर बीके बीना, तिरुवन्नामलाई सेवा केंद्र प्रभारी बीके उमा ने पॉजिटिव, पावरफुल और पर्पसफुल थॉट्स क्रिएट करने की बात कही। वेरी सिंपल, यू कैन ऑल्सो ट्राई टू प्रैक्टिस देम एंड डिराइव अ लॉट ऑफ बेनिफिट। The first thought, I am peaceful. I am an energy of peace in the center of my forehead. Peace, silence is my way of life. Proven techniques to design your future विषय पर पुणे के वनावड़ी सेवा केंद्र के द्वारा नेशनल इंजीनियर्स डे के उपलक्ष्य में वेबिनार का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य वक्ता के तौर पर मुंबई से वरिष्ठ मनोचिकित्सक बीके डॉक्टर गिरीश पटेल ने अपने भविष्य का सुंदर रीति से निर्माण करने की कला सिखाई। राउरकेला के कोयल नगर सेवा केंद्र के द्वारा क्लीन द माइंड और ग्रीन द अर्थ अभियान के अंतर्गत वन महोत्सव और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए निशुल्क रूप से होम्योपैथिक दवाइयां वितरण कार्यक्रम के साथ ही डी एडिक्शन शिविर का आयोजन विशाल स्तर पर किया गया, जिसके अंतर्गत ताल बहल गाँव, आजाद बस्ती, बरतोली, आरएस कॉलोनी समेत अन्य स्थानों पर लोगों को कोविड-19 से बचाव को लेकर जानकारी देने के साथ ही इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए होम्योपैथिक दवाइयां वितरित की गईं, जिसके चलते सभी स्थानों के विशिष्ट अधिकारियों ने ब्रह्मा कुमारीज के इस अनूठे प्रयास की सराहना की। आप देख रहे हैं उन सभी स्थानों की तस्वीरें जहां बीके जयश्री, बीके राजीव, बीके धनंजय, बीके उर्वशी, बीके चित्रंजन, बीके गीता समेत अनेक सदस्यों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और लोगों की मदद के लिए समाज सेवा के लिए सहयोग का प्रशंसनीय कदम बढ़ाया। आत्महत्या का विचार अर्थात अपने जीवन को भयंकर संकट में डालना है और इससे छुटकारा पाने के लिए यदि हम एकांत में ईश्वर का ध्यान करें तो हमें समाधान मिल सकता है, ये कहना है वरिष्ठ राजयोग प्रशिक्षक बीके नारायण का, जो मध्य प्रदेश के अलीराजपुर सेवा केंद्र के द्वारा विश्व आत्महत्या निषेध दिवस पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इस मौके पर आनंद संस्थान के जिला संयोजक अरविंद गहलोत, सेवा केंद्र प्रभारी बीके माधुरी समेत अन्य विशिष्ट सदस्य भी उपस्थित रहे। हरियाणा के रोहतक सेवा केंद्र के बीके सदस्यों ने अलग अलग प्रकार के लगभग 50 पौधारोपण कर उनकी देखभाल करने तथा भविष्य में भी पौधे लगाकर प्रकृति की सुरक्षा करने का संकल्प लिया, जिसमें सेवा केंद्र प्रभारी बीके रक्षा समेत अनेक सदस्यों ने बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी निभाई। आज के बुलेटिन में बस इतना ही, और खबरों के साथ हम फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। ओम शांति।